हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम टेक 23। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके सिलाई मशीन अगर एक साइड को कपड़ा फेंक रही है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों, वीडियो पर अंत तक लगे रहिए, इसको ज़रा सा भी स्किप ना करें दोस्तों, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये मशीन दोस्तों कपड़ा एक साइड में फेंक रही है, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और घंटी वाले बटन पर दोस्तों प्रेस कर दें। ये देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले इसके नीचे वाला ये हिस्सा दोस्तों इसका ये बोल्ट खोल लेना है। दोस्तों, बोल्ट खोलने के बाद क्या होगा कि हमने दताने दोस्तों नीचे की साइड उठा दिए हैं, कुछ हमारी मशीन के दांत ऊपर आ गए हैं, देखिए ब्लेड इसके ऊपर आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके ब्लेड ऊपर आ चुके हैं, ऊपर उड़ गए हैं। दोस्तों, आपको ऊपर उठाने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए। आपको एक रेती ले लेना है। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास में रेती है। इस रेती की मदद से दोस्तों आप इसको अच्छे से घिस लेंगे। अगर आपके पास में रेती नहीं है तो आप रेगमाल भी यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, रेती से हमने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब दोस्तों, बाद में फिर हमें यही वाला बोल्ट खोल के दतानों को वापस नीचे बैठा देने हैं। दोस्तों, दताने जो हैं नीचे ऊपर यहीं से होते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको नीचे करेंगे तो दोस्तों दताने आपके नीचे हो जाएंगे, और ऊपर करेंगे तो दताने आपके ऊपर उड़ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से दांत नीचे ऊपर यहीं से होते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए हमारी मशीन के दांत नीचे ऊपर हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ज़्यादा ऊपर भी ना रहें और ज़्यादा नीचे भी ना रहें दोस्तों, हमें यहाँ पर मीडियम साइज करके रोक देना है इसको। दोस्तों, हमें बीच में अपने ब्लेड को रोक देना है। अब देखिए दोस्तों, हमारी मशीन बिल्कुल ही सीधा कपड़ा फेंक रही है, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।